मऊगंज नगर परिषद में 5 पार्षदों वाली कांग्रेस का परचम लहराया, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी ब्रिजवासी पटेल ने 8 मतों से अप्रत्याशित जीत दर्ज कराई है। इस प्रकार से असंभव को संभव करते हुए कांग्रेस ने भाजपा के अभेद किला को ढहा दिया है। कांग्रेस की इस सफलता के पीछे भाजपा विधायक का मनमाफिक अध्यक्ष पद का चयन से पार्षदों के बगावत को माना जा रहा है, जिसको भुनाने में कांग्रेस के रणनीतिकार पार्षद विश्वनाथ मिश्रा, कांग्रेस अध्यक्ष संजय तिवारी, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष शेख मुख्तार, कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट अनिल तिवारी और हनीफ खान की बहुत बड़ी भूमिका रही है, जिनके मऊगंज नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस को अप्रत्याशित जीत हासिल हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष संजय तिवारी और एडवोकेट अनिल तिवारी ने कहा कि भाजपा के पास 9 पार्षद होने के बावजूद अध्यक्ष पद से हाथ धोना राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त भाजपा विधायक की पराजय है, जो कि मऊगंज जनता के द्वारा नकारने की वजह है। तो वहीं नगर परिषद उपाध्यक्ष पद पर भाजपा के सुंदरलाल साकेत को 9 मतों से जीत हासिल हुई। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ मिश्रा को हराया। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। देखिए, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, हमारे सुखेंद्र सिंह बन्ना जी की जीत है और पूरे मऊगंज और हरमला कांग्रेस की जीत है। अब देखिए, जहाँ तक हरमला में तो भाजपा को प्रत्याशी नहीं मिला, अध्यक्ष का प्रत्याशी उन्होंने घोषित नहीं किया ना। मऊगंज में उन्होंने पैसों के दम पे चुनाव जीतना चाहा, लेकिन पैसे के दम पे चुनाव नहीं जीता जा सकता। ये बहुत बड़ी हार है। विधायक जी को इस्तीफा देके मऊगंज से चले जाना चाहिए। जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसका परिणाम अभी से आने शुरू हो गए। 2023 विधानसभा के परिणाम की ये शुरुआत है। अब देख लीजिएगा आने वाले दिनों में, अगर ये प्रत्याशी रहेंगे, जिनकी जमानत जब्त हो जाएगी। ये हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं नेतृत्व को, इनका नेतृत्व के कारण ये हम लोग सफलता मिली है। हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, और ये भाजपा विधायक की कुव्यवस्था थी, कुव्यवस्था के विरोध में लोगों ने पार्षदों ने वोट किया और इस कारण हम लोगों को बीएससी मिली। इसके पीछे आप क्या मानते हैं? उसके पीछे आप... तो मेन कारण तो भाजपा विधायक की कुनीतियां हैं और कांग्रेसियों की मेहनत है, और जो सुखेंद्र सिंह बन्ना 24 घंटा उपलब्ध रहते हैं लोगों को, उनकी मेहनत, उनकी लगन और उनकी ईमानदारी की विजय की।